हाँ तो भाई लोगों, नॉइस की तरफ से उनका एक नया गेमिंग TWS लॉन्च होने वाला है जिसका नाम होगा नॉइस बार्स कॉम्बैक्ट एक्स। भाई ये जो नया TWS है ना, पूरा आपको गेमिंग वाइब देगा, बिल्कुल गेमिंग वाले फीचर्स आपको देखने मिलेंगे। इसमें जो डिजाइन वगैरह है वो कंप्लीट आपको RGB लाइट्स में देखने मिल जाएगी। अगर आप भी एक बढ़िया सा गेमिंग TWS लेने की सोच रहे हैं तो मे बी ये जो नया TWS है भाई आप ले सकते हो। अब इसका जो लॉन्च है वो 10 तारीख को आपको देखने मिलेगा, लेकिन अगर अभी आप बाय करना चाहो तो भाई अमेजोन पे इसका प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुका है, वहां से लेके आप इसको बाय कर सकते हो। प्राइस वगैरह के बारे में आपको इस वीडियो के एंड तक बताऊंगा, पहले फीचर डिस्कस कर लेते हैं कि भाई इसमें जो फीचर्स है वो हमको क्या-क्या देखने मिलेंगे। देखो भाई, सबसे पहले बात आती है डिजाइन की। डिजाइन काफी बढ़िया है, एक बॉक्सी टाइप डिजाइन आपको देखने मिलेगा, काफी अच्छा है, काफी प्रीमियम है, देखने में काफी अच्छा है। एंड भाई यहां पर आपको RGB लाइट्स मिल जाएगी, क्योंकि गेमिंग सीरीज का है तो RGB लाइट्स आपको मिलेगी। एंड मल्टीपल कलर चॉइस आपको मिल जाएंगे, कलर्स के अकॉर्डिंग आपको RGB लाइट्स भी देखने मिल जाएगी। एक अच्छे खासे कलर्स हैं, जो आपको पसंद आ रहा हो आप ले सकते हैं। बात आती है भाई साउंड सेक्शन की, तो यहां पर आपको 10mm के ड्राइवर्स मिलेंगे, अच्छे खासे ड्राइवर्स है, फिटिंग वगैरह अच्छी खासी आपको देखने मिल जाएगी। एंड जो नॉइस का साउंड है भाई आपको काफी सटल सा देखने मिल जाता है, काफी अच्छा साउंड आपको देखने मिल जाता है। बात आती है कूलिंग की, तो भाई इसमें आपको क्वाड माइक ENC का सपोर्ट मिलेगा, जिससे कि आपको 4 माइक यहां पर मिलेंगे, पर बर्ड पर आपको 2 माइक मिलेंगे, दोनों को मिला के 4 माइक हो जाएंगे। एक अच्छा आपको यहां पर जो कूलिंग एक्सपीरियंस है वो देखने मिल जाएगा, काफी बढ़िया कूलिंग आपको देखने मिल जाएगी। बात आती है गेमिंग की, जिसके लिए प्रोडक्ट बनाया गया है, मेन गेमिंग आपको इसमें देखने मिलती है 40ms लेटेंसी के साथ में। 40ms की लेटेंसी है, एक बढ़िया सारा गेमिंग आपको देखने मिल जाएगा, काफी अच्छी क्वालिटी देखने मिल जाएगी। 40ms लेटेंसी में भाई कोई इशू नहीं आता लेटेंसी का, एक अच्छा गेमिंग आपको देखने मिलता है, तो वो आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा। बाकी कनेक्टिविटी की बात आती है, ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट है, 10-15 मीटर की वायरलेस रेंज है, टच कंट्रोल बर्ड्स है, गूगल असिस्टेंट सीरी है, सब कुछ आपको एक्सेस करने के लिए मिलेगा। एंड भाई IPX5 का प्रोटेक्शन भी आपको देखने मिल जाएगा, अगर आप जिम के लिए रनिंग के लिए यूज करना चाहो तो आप डेफिनेटली इसको यूज कर सकते हो। बाकी बात आती है फाइनल बैटरी बैकअप की, तो भाई इसमें आपको मिलने वाला है 60 hours का बैकअप, 60 घंटे का बैटरी बैकअप मिलेगा विद केस एंड विद बर्ड्स, सिंगल चार्जिंग के बाद में। अगर सिंगल बर्ड्स की बात करूं, अप्रोक्स आप 8 से लेकर 10 घंटे का बैकअप सिंगल बर्ड्स में मान के चल सकते हो। टाइप सी पोर्ट सपोर्टेड है एंड ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट भी करता है। देखो भाई फीचर्स वगैरह काफी अच्छे हैं। अब फीचर्स के बेस पे अगर आप इसका प्राइस मानो ना, तो लगभग 1300 से लेकर 1500 रुपए जाता है, लेकिन भाई अगर आप इसको अमेजोन पर भी चेक करने जाओगे तो वहां पर इसका प्राइस अभी शो हो रहा है 4000 रुपए, और प्री बुकिंग स्टार्ट हो रखी है वहां पर 100 रुपए से। मतलब अभी आप 100 रुपए दो और आपको प्री बुक ये हो जाएगा, लेकिन भाई 4000 रुपए प्राइस शो हो रहा है अभी अमेजोन पे। और अगर इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाओगे तो वहां पर आपको 2500 रुपए इसका प्राइस देखने मिलेगा। भाई देखो 2500 रुपए में आपको ANC वाला TWS मिल जाता है, आपने रियलमी बोट वगैरह के देखे होंगे, 2500 में आपको ANC देखने मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी इसका जो प्राइस है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर 2500 एंड अमेजोन पे 4000 शो हो रहा है। अब देखो भाई इसका प्राइस कितना आएगा और कितना नहीं आएगा वो तो अभी कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इसका जो प्राइस है वो 2500 रुपए है, और 2500 रुपए में मुझे ये प्रोडक्ट एकदम बेकार लग रहा है, बिल्कुल वर्थ नहीं लग रहा। इसका प्राइस अगर 1300 से 1500 तक आता है मे बी आपको चेकआउट करना चाहिए, एक अच्छा प्रोडक्ट आपको देखने मिल जाएगा, 1500 से ऊपर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। बाकी आपको ऊपर डिपेंड है, अगर आप बाय करना चाहो लिंक आपको दे दूंगा नीचे, वहां से आप ले सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।